हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो है डीटीएच के ऊपर में थ्री डीज, तो इससे वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूंगा पावर सप्लाई और कार्ड से रिलेटेड सिग्नल प्रॉब्लम और कुछ अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड आज डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं जितना चीज़ बताऊंगा इतना चीज़ जो भी रहेंगे वो रियल रहेंगे। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपका आता है तो बिजली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आगे वीडियो में आपका सारा क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ, इस कार्ड है, एक कार्ड में जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि एक कार्ड में अक्सर ये मेन आईसी और एक ये आईसी लगी हुई है। ये इसका मेन प्रोग्राम आईसी है जिसमें सारा चीज़ फीचर लगे हुए थे। इस कार्ड में प्रॉब्लम क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक यहाँ पर देखेंगे, एक साउंड आईसी है, आपको दिख रहा होगा, ये एक साउंड आईसी है जिससे कि कभी काल आपका टीवी में साउंड आना बंद हो जाए। तो यहाँ पे एक 4558 का एक आईसी है, इसको चेंज करके आप इजीली इस कार्ड का साउंड को ला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, इसका सिग्नल का प्रॉब्लम होता है। अगर कार्ड से प्रॉब्लम है सिग्नल का, तो यहाँ पे एक आईसी लगी हुई, इस आईसी को आप चेंज करके ठीक नहीं कर पाएंगे। और सिग्नल का प्रॉब्लम बहुत सारे कारण से होता है, वो भी बता रहा हूँ आगे वीडियो में। तो अगर इस कार्ड से अगर प्रॉब्लम है सिग्नल का और इस कार्ड से प्रॉब्लम है, तो ए वाले पूरा कार्ड को चेंज करना पड़ेगा अगर सिग्नल का प्रॉब्लम है तो। अगर साउंड का प्रॉब्लम है तो ये 4558 आईसी मार्केट में मिल जाएगा, उसको आप चेंज करके आप इजीली इस कार्ड का साउंड को वापस ला सकते हैं और इस कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आती है सेकंड, हमारा डिपार्टमेंट जो है ये हमारा है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो इस प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपका पावर सप्लाई से रिलेटेड कार्ड में सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है, सिग्नल वीक हो रहा है, तो ये कारण होता है एक पावर सप्लाई से। देख लो, अगर पावर सप्लाई में सब कुछ सही है, जैसे कि कैपेसिटर है, सब सारा कुछ सही है, तो आपका पावर सप्लाई का ये जो वायर है, इस वायर से लो वोल्टेज होने के कारण से कभी कभी आपका जो सिग्नल काम नहीं करेगा। जब वायर को ऐसे ऐसे मोड़ मार करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो कभी सिग्नल पूरा अच्छे तरीके से आ जाएगा और चलते भी रहेगा। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है इस वायर की वजह से, जिससे सिग्नल का प्रॉब्लम होता ही है। आपका डीटीएच ऑन रहेगा लेकिन सिग्नल बहुत ही वीक आपको लगेगा। तो इस वायर का पॉइंट से आप वायर चेंज करके आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड, एक नया पावर सप्लाई रखें, नया पावर सप्लाई से इसको लगा के चला के देखें हमारा कार्ड सही है कि नहीं, तभी जाकर 100% इस पावर सप्लाई को रिपेयर कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगी हुई है, ये सब कैपेसिटर का वैल्यू जो है, यहाँ पे वैल्यू देख पाएंगे। सभी कैपेसिटर में अपना अपना वैल्यू है, इसका वैल्यू कम होने से भी सिग्नल का प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे डायोड लगे हुए, ये सब डायोड जो है, ये सब डायोड बोला जाता है, ये सब डायोड शॉर्ट होने से आपका पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा, वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा और आपका प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी लगे हुए, टीएल करके कुछ है, तो ये जो रेगुलेटर आईसी है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ देख लेते, TL431 ये है, TL431 ये है, आपको नंबर दिख रहा होगा। तो ये नंबर का आईसी यहाँ पे करता है क्या फ्रेंड, वोल्टेज को रेगुलेट करता है और एक्यूरेट वोल्टेज यहाँ पे देने का काम करता है इस पावर सप्लाई से। तो अगर इस ये जो है, ये अगर वोल्टेज सही से रेगुलेट करके नहीं दे, तो आपका पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होगा और उसके बाद ये कार्ड को प्रॉब्लम करेगा। ये हो गया फ्रेंड आपका सिग्नल का प्रॉब्लम। यहाँ पे जितना भी होता है वो इस कैपेसिटर की वजह से ही सिग्नल का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद डायोड ऐसा हो गया आपका शॉर्ट होने से आपका पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड आता है सेकेंड पार्ट, जो कि ये आईसी है जहाँ से आपका पावर सप्लाई होने ही नहीं होगा, जैसे कि इसमें भी दिया हुआ ये पावर सप्लाई, सभी का सभी पावर सप्लाई में ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, इसको रिपेयर करना एक हद तक सही है लेकिन एक हद तक नामुमकिन है। रीजन, इस आईसी एक ही नंबर का आईसी बहुत सारा मिलता है, कोई आईसी मैच करेगा, कोई आईसी मैच नहीं करेगा। जितना आईसी का दाम नहीं है उतना से ज़्यादा आपका इससे पावर सप्लाई में खर्चा हो जाएगा। पावर सप्लाई आपका 60 से 70 रुपये, 80 या 100 रुपये के अंदर में आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। तो इजीली मेरा कहना ये है फ्रेंड, इसको रिपेयर करने में नॉर्मली दिमाग लगाएं। अगर ज़्यादा इस वायर का प्रॉब्लम है, ज़्यादा इधर प्रॉब्लम है, तो आप इस पावर सप्लाई को मार्केट से ख़रीद के ला के इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और है फ्रेंड जो कि मैं भूल रहा था, उस प्रॉब्लम का भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक छोटा सा कोयल है, इस कोयल की वजह से आपका जो पिक्चर क्वालिटी होता है उसमें झिलमिलाहट का, अलग अलग तरह का झिलमिलाहट का
आपको नज़र आएगा पिक्चर क्वालिटी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में शॉर्ट करेंगे और ये पॉइंट को आपस में शॉर्ट करेंगे और ये पॉइंट को आपस में शॉर्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना देखेंगे चेक करके प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, उससे आपका पिक्चर की क्वालिटी सॉल्व हो जाएगी, जो कि अगर इसके कारण आ रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है फ्रेंड। और पावर सप्लाई चेंज करके देखेंगे उससे भी हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड एक चीज़ और है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाले पीएम देख रहे हैं, ये वाले पीएम हर जगह में लगी हुई, ये वाले पीएफ हर जगह में लगी हुई। अगर ये पीएफ ख़राब हो या पीएफ में कोई प्रॉब्लम हो तो आपका पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये लगा हुआ, ये ऑटो कपलर है, इसके कारण भी कभी कभी होता है, तो ये एक रीज़न है। उसके बाद फ्रेंड इसमें और भी कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिला है और अदर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अदर कोई प्रॉब्लम अगर आपको डिफॉल्ट लगता है, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है, और एक प्रॉब्लम ये कैपेसिटर, ये बड़ी वाले कैपेसिटर शॉर्ट होने से भी पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होता है और ऑन नहीं होगा और ये बार बार फ्यूज कटअप कर देगा, फ्यूज आपका ख़राब हो जाएगा, तो इसको भी चेंज करके इजीली आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पावर सप्लाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था हमने आपको डिस्कस कर दिया। नॉर्मली 100 रुपये का पावर सप्लाई इजीली मार्केट में मिल जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करके आप इजीली पावर सप्लाई को चेंज कर दें, उसमें ऑन गारंटी मिलता है, ख़राब हुआ तो फिर रिटर्न हो जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है फ्रेंड।